झांसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार के जीर्णोद्धार के बाद इसका भव्य लोकार्पण कार्यक्रम 8 अक्टूबर को आयोजित किया गया। झांसी के सांसद अनुराग शर्मा और नगर विधायक रवि शर्मा ने इस उच्चीकृत सभागार का लोकार्पण किया। इस मौके पर झांसी के मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा, मेयर रामतीर्थ सिंघल, डीएम आंध्र वामसी, राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के उप सभापति धनुलाल गौतम, झांसी विकास प्राधिकरण के सदस्य संजीव श्रृंगी ऋषि, सुधीर सिंह, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। इसके अलावा शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। शहर के अन्य जनप्रतिनिधि व विभिन्न संगठनों के लोग भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारी व ठेकेदार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी डॉक्टर नीति शास्त्री ने निभाई। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ल ने कहा कि इस परिसर के आसपास के क्षेत्र को संरक्षित करने की पहल प्रशासन को करनी चाहिए। बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरी उस संकल्पना को फिर से एक नया रूप मिला है। मैं स्मरण करना चाहूंगा, जब 89 में मैं विधायक हुआ तो यहाँ पर जो नाट्य क्षेत्र में काम कर रहे थे भाई सहडोली वगैरह, ये एक दिन मुझसे मिले हैं। मैं उनको स्मरण इसलिए कर रहा हूँ कि कहाँ से इसकी रचना प्रारंभ हुई, और उन्होंने कहा कि झांसी में कोई भी ऐसा सभागार नहीं है, कोई भी प्रेक्षागृह नहीं है जहाँ पर कोई गतिविधियाँ इस तरह की पूरी की जा सकें, और मुझे लगा कि उनकी वो राय बहुत अच्छी है। मैंने इस पर काम करना प्रारंभ किया। राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि लंबे समय से इसके जीर्णोद्धार की मांग उठाई जा रही थी और अब ये मांग पूरी हुई है। बुंदेलखंड का सोई है, उस टीके के गीत में कोट नवे पर्वत नवे सर नवे नानवाए माथो बाबुल जूको जगो नवे जब साजन आए। इसका अर्थ ये है कि करोड़ों पर्वत एक साथ झुक सकते हैं, तो बुंदेलखंड वालों का माथा नहीं झुक सकता। तो क्या कब झुकेगा? क्योंकि जब सज्जन पुरुष हमारे सामने आ जाएंगे तो हमारा माथा झुक जाएगा। इसका ध्यान रखते हुए इसमें बुंदेली कलाकारों के लिए कुछ छूट दी जाए, इसमें मेरा ये निवेदन है। और जो शुक्ल जी ने कहा कि इसके सुंदरीकरण के चारों तरफ ध्यान रखा जाए, मैं अवधेश जी की लाइनों से अपनी बात को खत्म करता हूँ कि जब छू जाएगी चिंगारी बुंदेलखंड के पानी में, फिर भड़क उठेगी क्रोध ज्वान जब झांसी वाली रानी में, मत समझो रानी नहीं यहाँ, जन जन झांसी वासी तो है, वो झांसी वाली रानी ना सही, रानी वाली झांसी तो है। मेयर रामतीर्थ सिंघल ने कहा कि इस क्षेत्र के आसपास ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने की योजना पर नगर निगम काम कर रहा है। आदरणीय रविंद्र जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने यहाँ से जाते वक्त बाईं तरफ के हिस्से की कुछ बात की। बाईं तरफ का हिस्सा बहुत खूबसूरत हो गया है आदरणीय वृंदावन लाल वर्मा पार्क की। बाईं तरफ के हिस्से की सुंदरीकरण में कुछ बाधाएं थी, जिसमें कुछ बाधा पुरातत्व विभाग की भी थी, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से सदन में बैठे हुए सारे बंधुओं के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें अनापत्ति अंतिम चरण में है, और दिल्ली से जैसे ही पुरातत्व विभाग की अनापत्ति मिल जाएगी, जिस क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे हैं मात्र उतना नहीं, उससे कई गुना क्षेत्र हम लोग विकसित करने जा रहे हैं। विधायक रवि शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल के नाम पर बने इस सभागार के पुनरुद्धार के काम में काफी समय तक बाधा पड़ती रही, लेकिन अब ये काम पूरा हो चुका है। ये सभागार को हम लोग फिर पुनर्जीवित कर पाए, इसके लिए हमने वहाँ पर चर्चा शुरू की। तत्कालीन मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर के वार्ता भी कि सभागार को यदि हम लोग जीर्णोद्धार करवा देंगे तो निश्चित रूप से झांसी के लिए मील का पत्थर ये सभागार हुआ करता था, इतना दुर्दशा हो गई इसकी। आज हम कार्यक्रम नहीं कर सकते थे,
उसके बाद जैसा कि सभागार का नाम है, ये हमारी आइडियोलॉजी का नाम है, ये हमारी विचारधारा का नाम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हम सारे लोग अनुयायी हैं, लेकिन जब विचारधाराओं की मतभिन्नता होती है, पिछली सरकार में वैचारिक रूप से उनका अपना विचार था, तो जब जैसे ही सभागार पे तो सहमति बन गई भाई साहब, देखो सभागार का नाम जैसे ही दीनदयाल उपाध्याय सभागार बताया मैंने, और उस पर वो रुक गई कलम, तो वो कलम रुकी बनी रही, लेकिन हम हारे नहीं। अनवरत विधानसभा के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मिलजुल करके बात करते रहे, फिर एक सुखद समय भी आया, तो उन राजनीतिक लोगों का शासन आया, हम जिनके अनुयायी हैं उनकी खुद की विचार का शासन आया, तो निश्चित रूप से ये सभागार को जैसा बनना चाहिए था वैसा ही सभागार का निर्माण शुरू हुआ। डीएम आंद्रा वामसी ने कहा कि झांसी में ऐतिहासिक महत्व की काफी धरोहर हैं, जिन्हें संरक्षित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका जो मेंटेनेंस है रेवेन्यू मॉडल के तहत किया जाएगा, और उसमें तो जैसे हरगोविंद कुशवाहा जी ने कहा था कि बिल्कुल बुंदेलखंड की कलाकारियों के लिए तो बिल्कुल छूट है, क्योंकि ये वही एक मंच है जहाँ पे बुंदेलखंड की कला संस्कृति को हमें प्रचार करने का एक अच्छा स्रोत भी। झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने कहा कि ये सभागार कलाकारों के लिए काफी मददगार साबित होगा। हमने जनप्रतिनिधियों द्वारा और कलाकारों के द्वारा सबके द्वारा कि इसे स्वरूप प्रदान किया जाए, तो उस क्रम में झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रेरणा से एक प्रोग्राम बनाया गया, प्लान बनाया गया, और उसके तहत आज ही लोकार्पित हो रहा है हमारे माननीय अतिथिगण के द्वारा। झांसी के लिए तलहटी में स्थित है, आज लोकार्पण इसका हो रहा है। आप सब हम सभी जानते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र कल्चरल एक्टिविटीज में काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी आगे है। कार्यक्रम में मौजूद सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि ये सभागार काफ़ी समय से खराब पड़ा हुआ था, इसमें कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाता था, अब पहले की तरह इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। जानता हूँ कि ये गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट भी इसको संचालन करेगी, आगे एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को देखेगा, पर थोड़ा सा इसमें आपको प्राइवेट सोच लानी पड़ेगी। तो सोच ये है कि जब भी आप किसी को दें तो उससे डैमेजेस के पैसे जरूर लगे, जो चीज कोई डैमेज करके जाएगा, कुर्सी तोड़ जाता है या कोई चीज गिराया जाता है, तो उससे आप पहले कुछ अतिरिक्त धनराशि रख लीजिए, आप इंस्पेक्शन करिए, उसके बाद वापस कर दीजिए। ये अब हर जगह होने लगा, चाहे मैं दिल्ली में किसी हॉल में जाऊं, कोई सभागार कहीं ले, ये थोड़ा सा हमको इस जगह को रखना जरूरी, इसकी सुंदरता बनाए रखना जरूरी, और आप सब इस बधाई के पात्र हैं कि आपने इतनी मेहनत करी, इतना अच्छा भव्य सभागार बनाया। मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि इस सभागार का झांसी विकास प्राधिकरण ने जीर्णोद्धार कराया है। कि इस कोरोना काल के दौरान आज हम लोगों को बड़े दिनों बाद में इस तरह का एक छोटा सा कार्यक्रम करने का सुभग संयोग मिला है, और वो भी एक आत्म मानववाद के पुरोधक और अंत्योदय के जनक, जिसने गरीब से गरीब जो अंतिम वास्तव में अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसके उदय की बात कही थी, उनके नाम पर बने हुए इस सभागार, ये आपको अर्पित करने का एक कार्यक्रम करने का मौका दिया। आप सब लोग आए, सभी को मेरा नमन। कई लोगों ने इसमें डेफिनेटली प्रयास किया होगा, माननीय सदर विधायक जी सांसद जी ने स्वयं में प्रयास किया होगा, लेकिन एक नाम आप में से किसी ने लिया नहीं। मैं जल्दी से बहुत नाम लेता नहीं हूं, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में पता नहीं कितने नाम ऐसे हैं जो बेनाम हैं, उनके बल पर ही हम लोग आज खुली हवा में सांस लेते हैं। बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं
लाखों लोग हैं जिनका नाम कहीं ढूंढने पे मिलता है, लोकल लेवल पे मिलता है, अरगोविंद कुशवाहा जी ढूंढ ढूंढ करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों में से एक नाम आप ही लोगों के बीच का है, आप लोगों ने कोशिश की होगी, अमृतलता श्रीवास्तव, लेकिन उसके साथ में यहाँ के पूर्व जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, उसका नाम आना चाहिए। वो लड़का इस रूप में डिजर्व करता है कि हाँ, एक सचिव JDA की हैसियत से जब उसके पास चार्ज था तब उसने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया, उसका नाम हम लोगों को लेना चाहिए कि हाँ, किसी ने किसी की बात मानी तो, मांग तो बहुत लोग करते हैं, कई लोगों से करते हैं, लेकिन पात्र आदमी मिल जाए तो बात अलग होती है। क्योंकि सर्वेश ने आकर के टेक ओवर किया, उसने अपनी मेहनत की, मैंने बाद में आया, मैं वामसी बाद में आया है, हम लोग सब लोग थे, लेकिन जो अधूरा काम था ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि अधूरे कार्यों को हम लोग समय से पूरा कराएं। ये है कि हाँ, हमारे अपने अपना नजरिया रहता है कि हम एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत काउंट करता भी है कि भाई इसको ठीक कर लीजिए, क्वालिटी ये करिए, वो करिए, वो सब यहाँ पर देखने को मिलता है। आज आवाज़